सौरभ देख लीजिएगा सरस्वती वाली मूवी। चलिए आप लोग अपना अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। चलिए आपको दोबारा ज्वाइन कर लिए। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 88 आपके पास सामने को डीके सिंह का बुक होगा ही। तो देखिए इन तीनों सिस्टम में, मेरा फर्स्ट सिस्टम है, मेरा सेकंड सिस्टम है, थर्ड सिस्टम है, असल में देखिएगा तो कॉमन फैक्टर ये है, यहाँ के कॉमन फैक्टर ये है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन सेम पीरियड में है, तो सेम पीरियड में है तो खुद आप लोग को बताया हुआ है कि व्हेन वी कंपैरिजन विद इन द सेम पीरियड, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिव पावर देखेंगे। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव पावर नाइट्रोजन का रहेगा, उसके बाद ऑक्सीजन करेगा, सबसे कम फ्लोरीन का रहेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव पावर नाइट्रोजन का रहेगा, न्यूट्रल नाइट्रोजन का, जब न्यूट्रल का न्यूट्रल साथ कंपेयर कर रहा हूं तो यहां पर रिजल्ट होने का चांस ज्यादा रहेगा। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सोचने का फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले हम लोग यहाँ इस स्ट्रक्चर फिर बाद में यहाँ पे आते हैं, तो अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव पावर नाइट्रोजन का रहेगा, फिर ऑक्सीजन का रहेगा, फिर फ्लोरीन का रहेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे होगा पहला पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद यहाँ होना चाहिए, और सबसे कम रिजल्ट यहाँ होना चाहिए। अब इन तीनों सिस्टम का सेकेंड रिजल्टिंग स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज है। तो सब इसमें इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का स्टेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आपको बोला हुआ है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा कंफर्टेबल ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद ऑक्सीजन पे स्टेबल रहेगा, सबसे कम स्टेबल फ्लोरीन पे रहेगा। इसका मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल है, इसका मतलब यहां से यहां आने का टेंडेंसी इसका कम रहेगा, और सबसे ज्यादा यहां से यहां तक आने की टेंडेंसी इसका रहेगा। इसका मतलब है कि इसके बीच में रेजोनेंस का प्रोसेस ज्यादा होगा और यह इन दोनों के बीच में सिंपलिटी का डिफरेंस कम रहेगा। ऑल आर नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम, देखिए जब ऐसे कंपेयर करिए तो मोर स्टेबल लेस स्टेबल, मोर स्टेबल लेस स्टेबल, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। तो जैसे मोर और लेस का बात हम लोग करना शुरू करते हैं, इसका मतलब ऑल दिस थ्री आर नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम। बट नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम में भी हम लोग इक्विवेलेंसी का टर्म यूज करते हैं। इक्विवेलेंसी का मतलब होता है कि जिसमें रिजल्ट का प्रोसेस कम होगा, इसका मतलब उसमें इक्विवेलेंसी कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज्यादा हो गया है। और अगर दो आरएस के बीच में, मैं एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं, एक ग्राउंड पे है, एक माउंट एवरेस्ट पे है, तो उसमें कन्वर्ट होने का टेंडेंसी कम रहेगा, दैट्स व्हाई यहां पे स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम है, तो रिजल्ट का प्रोसेस ज्यादा होगा, यहां पे स्टेबिलिटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब तो यहां रिजल्ट का प्रोसेस सबसे कम होगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिजल्ट सेकंड में होगा, उसके बाद फर्स्ट में होगा, और उसके बाद थर्ड होगा। तो देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन रहेगा, तो यही मैं ऑर्डर लिखा हूँ, रिजनल सिनर्जी वर्सेस या रिजनल सिनर्जी का ऑर्डर हो गया या इक्विवेलेंसी का ऑर्डर। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में बहुत सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है, ऐसे कुछ आता है कि तीन सिस्टम दिया रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ टिक्स में मिलेगा कि कुछ सिस्टम कुछ रिजनल कुछ सिस्टम क्या हुआ, आर दो आर एस के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस पूछा गया है। इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी का डिफरेंस का ऑर्डर पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का डिफरेंस यहाँ है, उसके बाद स्टेबिलिटी का डिफरेंस यहाँ है, रिजोनेंस का जो ऑर्डर रहेगा उसका जस्ट उल्टा है, उसके आरएस के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस रहेगा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी का डिफरेंस यहाँ रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का डिफरेंस, तो अगर स्टेबिलिटी का डिफरेंस अगर ऐसा पूछना आता तो स्टेबिलिटी का डिफरेंस का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का डिफरेंस सेकंड में, सॉरी थर्ड में, उसके बाद फर्स्ट में, और सबसे कम स्टेबिलिटी का डिफरेंस सेकंड में। तो
इसका जब इसके साथ कंपेयर कर देते हैं रिजनल सूरी का जस्ट उसका क्या होगा सूरी का डिफरेंस। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 88। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड का बात करें। सपोज कीजिए कि अगर आपसे पूछा था कि फर्स्ट एंड सेकंड, मान लीजिए मैं क्वेश्चन ये बोलता कि फर्स्ट और सेकंड में इस सिस्टम में लोन पे बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसका कोई और आंसर देंगे आपके उनसे श्रीधर? फर्स्ट और सेकंड में लोन पे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा बिजनेस में एंड नहीं फर्स्ट में, यहाँ का लोन पे यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिस लोन पेयर कन्वर्टेड विद दिस पाई बॉन्ड कन्वर्टेड थ्री डबल बॉन्ड कंटीन्यूअसली, बट यहां का लोन पेयर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड के साथ कन्वर्जन में है। क्या इसके साथ कन्वर्जन में है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड? तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना कन्वर्जन है 1 2 3 4, यहाँ पे चार कन्वर्जन है 1 2 3 4, बट यहाँ पे ये आपस में रेजोनेंस में है, बट ए लोन पेयर यहाँ भी ए दिस थ्री डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में है, बट ए थ्री दिस थ्री डबल बॉन्ड आल्सो कन्वर्टेड विद लोन पेयर, तो आपस में तीनों रेजोनेंस करेगा एट द सेम टाइम, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे एट ए टाइम 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम रेजोनेंस में इन्वॉल्व, बट यहाँ पे एट ए टाइम क्या 8 इलेक्ट्रॉन है एट द केस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, ये अगर इसके साथ रेजोनेंस में रहेगा उस टाइम पे इसके साथ रेजोनेंस में नहीं रहेगा, तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 2 8, बट एट ए टाइम यहाँ पे एक साथ 8 का 8 रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ए लोन पेयर कम रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ज्यादा रहेगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि सेकंड में मोर ऑफ लेस दिस काइंड ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, बट यहाँ पे इट इज काइंड ऑफ कंटिन्यूअस कन्वर्जन, दैट्स व्हाई यहाँ इन दोनों में नंबर ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम सेम होते हुए भी यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड 1 लोन पेयर, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड 1 लोन पेयर, दोनों में नंबर ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम सेम होते हुए भी सब देखते रहिएगा, यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम सेम होते हुए भी यहाँ पे रेजोनेंस का अमाउंट ज्यादा रहेगा, यहाँ पे रेजोनेंस का अमाउंट कम रहेगा, इसमें तो कन्वर्जन ही कम है, यहाँ तो सिर्फ लोन पेयर और 1 डबल बॉन्ड है, दैट व्हाई ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें होगा फर्स्ट में, उसके बाद सेकेंड में और सबसे कम किसमें होगा थर्ड में, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस। अब 89 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। आप में से कोई भी स्टूडेंट अपना माइक को ऑन करके इसका आंसर बता सकते हैं विद प्रॉपर रीजन। सब लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं ना? ओके, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कि ज्वाइन किए नहीं किए, बट सपोज कर रहे हैं कि आप कल मैं यूट्यूब पे डाल दिया था तो देखे थे। चलिए फर्स्ट मिनट सेटिंग आप पहले काम करेंगे, बहुत डिफिकल्ट जॉब है, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं किसको पढ़ा रहा हूँ।
सामने वेल प्रेजेंस है, क्लास में खाली है, कि बस पढ़ा रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ प्योर एक्टिंग। एनीवे तो फर्स्ट और सेकंड में, और आप लोग आराम से घर से बैठे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं, सबका कंडीशन खराब है। लेकिन चलिए यहाँ पे कितना सिस्टम है, यहाँ पे थ्री है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे तीन है। तो फर्स्ट और सेकंड में नंबर ऑफ कंजुगेशन, नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम है, थ्री डबल बॉन्ड, बट फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है यहाँ पे? हाँ बोलिए। वेरी गुड, देखिए आपको तो सबको समझ में आ ही गया है, एक ग्रॉस कंजुगेशन है और यहाँ पे कंटिन्यूअस कंजुगेशन है। तो अगर कंटिन्यूअस कंजुगेशन रहेगा, यस, तो कंटिन्यूअस रहेगा तो एट ए टाइम सिक्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा, और अगर क्रॉस रहेगा तो एट ए टाइम फोर ही इन्वॉल्व रहेगा। ये रेस्ट, ये जब आपस में रिड्यूस करेगा तो रेस्ट में रहेगा, ये जब इसके साथ करेगा तो ये रेस्ट में रहेगा। अब यहाँ पे एट ए टाइम, जैसे फर्स्ट और सेकेंड में रिड्यूस ज्यादा होगा और फर्स्ट में रिड्यूस कम होगा। और व्हाट अबाउट थर्ड, थर्ड में तो नंबर ऑफ कंजुगेशन ही कम है, दो ही डबल बॉन्ड है, इन दोनों में तीन तीन डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑर्डर शुड बी व्हाट, सेकंड उसके बाद फर्स्ट। ओके, तो एक टॉपिक मैं लेके चल रहा था जिसका नाम था रेजोनेंस एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, और यहाँ पे सबसे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था जिसको समझाने में बहुत डिफिकल्टी होता है बैच में, वो था टर्म इक्विवेलेंट का और इक्विवेलेंसी का। तो अब आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, आप लोग 100% इक्विवेलेंट सिस्टम और इक्विवेलेंसी का टर्म मैं बार बार इतना बार रिपीट किया हूँ तो समझ में आ गया है, या किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हैं, मैं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक मैं यहाँ पर ही बाइंड अप करूंगा और कल का, कल मैं क्लास लूंगा जिसका टॉपिक रहेगा। रेजोनेंस एनर्जी वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये मैं कल बताऊंगा। अच्छा बताइए, आपको कब फिजिक्स का भी क्लास शुरू कर दिया है या फिर केमिस्ट्री का कंटिन्यू करते हैं? शुरू कर रहे हैं। ओके, तो आप बोलिए बोलिए। हाँ वो तो बात है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है ना, सुनिए तो लॉकडाउन, हाँ नहीं, एक काम करते हैं कि थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जस्ट, और ट्वेल्थ का नहीं, क्योंकि ट्वेल्थ का तो अभी शुरू करेंगे तो आपको तो समझ नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट टॉपिक है। तो वर्क पावर एनर्जी में जहाँ छोड़ा था वहां से शुरू कर सकते हैं, या एच सी वर्मा का जो डिस्कशन है बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे वन बाय वन कॉलम करके। प्रॉब्लम तो एटलीस्ट मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ एच सी वर्मा का। ओके ठीक है, नहीं वो तो वो मेरे को छोड़ दीजिए, मैं खुद ही ऑर्गेनाइज करूंगा। चलिए आज के पास यहाँ पे बैठ गए।